सावे ज्वेल्स बिजनेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और हम आ चुके हैं मेरठ। हाँ जी, मेरठ, स्वर्णरंगरी मेरठ। यहां मिलवाएंगे आपको एक और नए होलसेलर से जो कि डायमंड्स और गोल्ड के कलेक्शंस में डील करते हैं। और इनके गोल्ड के कलेक्शंस, हाँ जी, ये सावे ज्वेल्स के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जय माँ ब्रजेश्वरी ज्वेलर्स। तो चलिए चलते हैं, मिलवाते हैं आपको भैया से और दिखाते हैं इनका स्टॉक। तो चलिए चलते हैं, आइए। आ गए हम जय माँ ब्रजेश्वरी ज्वेलर्स पे मेरठ। तो जानेंगे पहले भैया से उनका नाम और किन प्रोडक्ट्स में वो डील करते हैं, तो सारा इंट्रोडक्शन जानेंगे भैया से। तो भैया पहले तो व्यूअर्स को अपना नाम बताएं। हेलो, मायसेल्फ देवांश अग्रवाल फ्रॉम जय माँ ब्रजेश्वरी ज्वेलर्स मेरठ शहर सराफा बाजार। ये हमारी शॉप कच्ची सराय में लोकेटेड है, शहर सराफा बाजार में, जो कि घंटाघर के पास है। और यहाँ पर जय माँ ब्रजेश्वरी ज्वेलर्स पे हम एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी और कुंदन ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी एंड प्लेन गोल्ड ज्वेलरी और चेंज में डील करते हैं। तो भैया सबसे पहले तो मुझे रिंग के बारे में बताएं कि ये रिंग जो है ये कितने रेंज से स्टार्ट हो जाती है? हमारी रिंग्स अप्रॉक्स 3,000 की रेंज से स्टार्ट हो जाती है, मतलब सिंगल रिंग 3,000 की कॉस्ट में पड़ जाती है। मैक्सिमम रेंज तक हम कहीं तक भी जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मिनिमम रेंज है 3,000 वाली, 2,500-3,000 से जो रिंग स्टार्ट होती है, उसमें हम हॉलो कास्टिंग की रिंग्स बनाते हैं। वो रिंग्स हॉलो हैं, उसकी वजह से उनका वेट बहुत कम है, जिससे वो बहुत ही बजटेड रिंग्स हो जाती हैं। बाकी हम लोग 14 कैरेट और 18 कैरेट दोनों में ही डील करते हैं ज्वेलरी में, डायमंड में। और डायमंड की क्वालिटी में भी IJSI हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बाकी HISI और GHSI में भी डील करते हैं। तो भैया एक और बात मैं जानना चाहूँगा, इसमें गोल्ड जो है, गोल्ड का कलर क्या होता है? दूसरी चीज़, हमारा बैंगल्स जो हैं और हार जो हैं किस रेंज से स्टार्ट होते हैं? और तीसरा एक पॉइंट जो है, जैसे आप लूज डायमंड में डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे आपसे जो रिटेल भाई हैं वही मिले या फिर आप एंड कस्टमर को भी प्रोवाइड कराते हो? यहाँ जय माँ ब्रजेश्वरी ज्वेलर्स पर हम लोग अमोगा डायमंड्स के नाम से जो प्रमोट कर रहे हैं अपना डायमंड कलेक्शन, उसमें नेकलेस में और बैंगल्स में हम लोग अप्रॉक्स नेकलेस हमारे 50,000-60,000 की रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं और बैंगल्स अप्रॉक्स 1,00,000-1,25,000 की रेंज से शुरू हो जाते हैं। बैंगल्स में हम लोग इसमें मिनी पछेली के कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर पछेली लोग नहीं प्रेफर कर पाते, बजटेड नहीं हो पाती हैं क्योंकि बहुत हैवी हो जाती हैं। हम लोग मिनी पछेली का कॉन्सेप्ट भी बनाते हैं जिससे कि सब लोग पछेली भी पहन सकें। दूसरा, हमारे नेकलेस और बैंगल्स, रिंग्स, पेंडेंट सेट्स, पूरे ही कलेक्शन में हम लोग येलो गोल्ड, वाइट गोल्ड और रोज़ गोल्ड तीनों ही गोल्ड्स में डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही गोल्ड हो। और लूज डायमंड में भी हम डील करते हैं, उसमें भी आपका JKSI, IJSI, HISI, GHSI सभी कलर क्लैरिटीज में हमारे पास लूज स्टॉक रेडी होता है, प्लस सॉलिटेयर्स का स्टॉक भी हम लोग रखते हैं 2 कैरेट तक। जैसा कि हमने देखा डायमंड कलेक्शंस जो कि सर्टिफाइड ज्वेलरीज भैया डील करते हैं डायमंड्स में, और साथ में भैया ने बताया कलर प्योरिटी के बारे में भी बताया हमने डायमंड के बारे में। तो अगर आप मेरठ के आसपास के हो तो आप यहाँ इनके शॉप पे विज़िट कर सकते हो, एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और अगर आप यहाँ पे फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकते, फिजिकली विज़िट नहीं कर सकते, तो आप सावे ज्वेल्स बिजनेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो,
लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, एंड्रॉयड और आईएस दोनों पे अवेलेबल है, आप उसे इंस्टॉल करें, वहाँ पे अमोगा डायमंड के सारे कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, आप वहाँ से सीधा ऑर्डर करो, भैया के पास वो ऑर्डर आएगा, वो कन्फर्म करेंगे और आपका माल आपके रिटेल स्टोर पर पहुँच जाएगा। तो बढ़ते हैं एक और सेगमेंट की तरफ से जो कि गोल्ड ज्वेलरी का सेगमेंट है, और भैया ने इस सेगमेंट को एक ब्रांड नेम दे रखा है जिसका ब्रांड नेम है साइला। सो जानते हैं साइला ब्रांड नेम के अंदर क्या प्रमोट कर रहे हैं भैया और किन प्योरिटी में वो प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ जयमा ब्रजेश्वरी ज्वेलर्स पर अमोगा डायमंड के साथ साथ हम लोग साइला एंटीक ज्वेल्स में भी डील करते हैं, और इसमें हम 18 कैरेट की एंटीक ज्वेलरी में डील करते हैं, जो कि हमारे पास जयपुर का कलेक्शन, अहमदाबाद कलेक्शन, राजकोट कलेक्शन, सभी जगह का कलेक्शन अवेलेबल होता है। इसमें रिंग्स, बैंगल्स, लाइटवेट नेकलेस, हैवी नेकलेस, चोकर सेट्स, लॉन्ग सेट्स, सभी चीज़ की फुल रेंज आपको देखने को मिलेगी। एक और एंटीक कलेक्शन देखते हैं गोल्ड का, तो जानेंगे देवान जी से इसके बारे में, इसको कहते क्या हैं, वेट क्या आ जाता है इनका और क्या रेंज से ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो देवान जी थोड़ा मुझे इसके बारे में बताएं कि इसका वेट क्या होता है और कितने तक के स्टार्ट हो जाता है, किस रेंज में आ जाता है। इसमें एंटीक कलेक्शन में नेकलेस की अगर हम बात करें तो 30 ग्राम के अप्रॉक्स से नेकलेस स्टार्ट हो जाते हैं, और पेंडेंट सेट्स 15 ग्राम से शुरू हो जाते हैं। अगर हम एक मोती वाले नेकलेस सेट की भी रेंज बनाते हैं, ये हमारे 18-20 ग्राम से रेंज शुरू हो जाती है, सारी लेज़र प्रिंटिंग की है वैरायटी और बहुत ही डिफरेंट वैरायटी है। उसके बाद हम एंटीक से अलग जड़ाऊ ज्वेलरी में भी डील करते हैं, ये भी हम सारा 18 कैरेट में ही डील करते हैं, और इसमें आपको माणक मोती पन्ने के अलावा ब्लू स्टोन्स और पिंक स्टोन्स, ग्रीन स्टोन्स, जो आजकल पेस्टल कलर चल रहे हैं, उसमें भी फुल रेंज मिलेगी मेरे पास। और इसमें रिंग्स का कलेक्शन भी मिलेगा, मांग टीके का कलेक्शन भी मिलेगा और कलाई का भी कलेक्शन मिलेगा। अभी हमने डायमंड और गोल्ड के कुछ कलेक्शन देखे, सारे कलेक्शंस इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ आइए, शॉप पे आइए, यहाँ से देखिए डायमंड्स और गोल्ड के कलेक्शंस देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप यहां से परचेस करिए, और सावे ज्वेल्स बिजनेस पे भी आ सकते हैं आप ऑनलाइन, और वहां से भी इनके कलेक्शन देख के आप परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।